नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम एक नए वीडियो के साथ। इन्फॉर्मेशंस, एजुकेशन की इन्फॉर्मेशंस लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। आज जो हम आपके पास वीडियो लेकर के आए हैं वो भी नर्सरी और केजी और फर्स्ट क्लास के एडमिशन जो दिल्ली में चल रहे हैं उसके बारे में ये वीडियो है। जानकारी देते हुए इस वीडियो में आज जो हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं उनको हम प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको जवाब देंगे और आपको उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसी आशा के साथ इस वीडियो को हम आपके साथ सामने शुरू कर रहे हैं। और आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और वीडियो को अगर पसंद आता तो लाइक करें। और एजुकेशन के और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो केजी क्लास के लिए जो एडमिशन के लिए निम्नतम जो आयु निर्धारित की गई है, मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है, वो 5 इयर्स रखा गया है। पहला प्रश्न तो ये है, कई लोगों को ये था कि भाई कितने साल की उम्र में केजी क्लास में एडमिशन होता है मिनिमम, तो 5 इयर्स की एज डिसाइडेड की गई है। और ये जो प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और इनके माध्यम से हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, मेरा बेटा अप्रैल में 3 साल का हो जाएगा, क्या मेरे बेटे को इस साल नर्सरी में मिलेगा एडमिशन? तो इस प्रश्न के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ये प्रश्न बड़ा सभी के लिए काम करेगा कि 3 साल का हो जाएगा बच्चा तब उसको एडमिशन मिल जाएगा क्या नर्सरी में? तो इसका जवाब क्या दिया गया कि 31 मार्च को बच्चे की उम्र 3 साल से ऊपर होगी। कब? देखिए ध्यान दीजिएगा, डेट 31 मार्च को बच्चे की उम्र 3 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपके बच्चे की उम्र अप्रैल में 3 साल होगी तो दाखिला मानदंडों के अनुसार आधार पर इस साल दाखिला नहीं हो पाएगा, यानी 31 इस साल की 31 मार्च तक वो 3 ईयर का हो जाएगा, तभी एडमिशन दिया जाएगा। तो ये जो प्रश्नों के जो उत्तर दिए जा रहे हैं आपको, ये सब इस मॉडर्न पब्लिक स्कूल दिल्ली की प्रधानाचार्य के माध्यम से जो उन्होंने जवाब दिए उनको, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मानते हुए हम आपको ये जवाब बता रहे हैं। और ये जो जवाब है ये सभी के लिए, एक के प्रश्न से सभी का, जितने भी उससे रिलेटेड क्वेरी वाले हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि एक क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए क्या स्टैंडर्ड है, यानी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कक्षा एक में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, प्रश्न ये बनता है सभी का। कक्षा एक में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2021 तक 5 से 6 साल के बीच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2021 तक 5 साल से 6 साल के बीच होनी चाहिए। अगर बच्चा इस उम्र में आता है तो ही दाखिला मिलेगा, यानी 6 साल से एक दिन भी ज्यादा है तो फर्स्ट में नहीं लिया जाएगा, ऐसा इसमें आ रहा है। अगला प्रश्न भी आता है इसमें, यानी ये भी प्रॉब्लम किसी कुछ लोगों की हो सकती है, मेरा बच्चा केजी कक्षा की उम्र सीमा में है, क्या इस कक्षा में उसकी उम्र के हिसाब से सीधे दाखिला मिल जाएगा? तो यहां पर सीधा दाखिला चाह रहे हैं कि केजी कक्षा की उम्र की सीमा है, लेकिन क्या उसकी उम्र के हिसाब से उसे सीधा दाखिला मिल जाएगा या फिर नर्सरी कक्षा की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दिखाने के लिए अनिवार्य होगा, यानी सर्टिफिकेट वगैरह नर्सरी क्लास के दिखाने पड़ेंगे या डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा? प्रश्न यहाँ ये उठ रहा है। तो प्रश्न का जवाब क्या है? जी जो इंफॉर्मेशन जो जवाब के रूप में है वो ये बनती है हमारे पास कि अगर बच्चे की उम्र सीमा 4 साल से 5 साल के बीच है तो केजी कक्षा के लिए बच्चे को सीधा दाखिला मिल जाएगा, दाखिले के लिए बच्चों की नर्सरी की मार्कशीट अनिवार्य नहीं है। तो देखिए बड़ी सुविधा है, अगर आपके नर्सरी का मार्कशीट नहीं भी है लेकिन एज से वो क्वालिफाई कर रहा है, कितनी एज? 4 से 5 साल के बीच में, तो बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा सीधा, कोई मार्कशीट की जरूरत वहां पर नहीं है, नर्सरी की मार्कशीट की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न आता है, मेरा बच्चा अभी 3 साल 6 माह का है, मुझे अपने बच्चे को नर्सरी में दाखिला कराना है, कृपया दाखिला प्रक्रिया से संबंधित जानकारी बताएं। देखिए ये भी सभी के लिए जानकारी हो जाएगी, नहीं कॉमन प्रश्न हो गया। जो सबसे ज्यादा जरूरी प्रश्न है कि बच्चे की उम्र है 3 साल और ऊपर 3 साल 6 महीने,
3 साल 6 माह का बच्चा है, 3.5 साल का, उसको नर्सरी में दाखिला कराना है, कृपया दाखिला प्रक्रिया संबंधी जानकारी बताएं। तो दाखिले की क्या प्रक्रिया है ये बताना है। तो जवाब आया कि नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2021 तक कितनी होनी चाहिए, 31 मार्च 2021 तक 3 साल से 4 साल के बीच होनी चाहिए, 31 मार्च 2021 तक। तो 3 से 4 के बीच होनी चाहिए, तो बच्चे की उम्र 3.5 साल है तो क्वालिफाई हो गया। तो शिक्षा निदेशालय के मानदंडों के आधार पर आपके बच्चे को दाखिला मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नर्सरी में उसकी उम्र, उसका एडमिशन होना है 3 साल से ऊपर की उम्र है, यानी 3.5 साल है, तो आराम से उसको एडमिशन मिल जाएगा। फिर एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया है, मुझे बेटे को दाखिला नर्सरी में कराना है, लेकिन मेरे पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, सिर्फ रेंट एग्रीमेंट है, मुझे गाइड करिए। तो इस प्रश्न का क्या बड़ा, इसका क्या रोमांचक जवाब यहाँ पर आया, आप देखिए। सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का हो जो टेनेंट्स भी हैं, रेंट पर रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्रश्न बड़ा अहम हो जाता है कि क्या रेंट एग्री, जो रेंट में रहने वाले हैं उनका वो एड्रेस प्रूफ माना माना जाएगा कि नहीं। तो इसमें बड़ा अच्छा एक टेक्निकल जवाब यहाँ पर मिला कि रेंट एग्रीमेंट जो कानूनी तौर पर मान्य है, लेकिन ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट अगर आपने नोटरी से रजिस्टर कराया हुआ है तो वो माना जाएगा, ऑफिस से बनवाया हुआ, रजिस्ट्रार ऑफिस से, अगर रजिस्ट्रार ऑफिस से वो रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, नोटरी से बने एग्रीमेंट के लिए आप स्कूल को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अच्छा, नोटरी वाले एग्रीमेंट को नहीं माना जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफिस से जो एग्रीमेंट बना हुआ है उसको माना जाएगा। तो रेंट एग्रीमेंट के साथ ट्रांसफर के ऑर्डर की कॉपी भी लगा सकते हैं, तो आपका आराम से इसको एड्रेस प्रूफ मान लिया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी हमारे पास आज के इस वीडियो में, इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी, किसी और के लिए भी, अपने नहीं तो किसी और के बच्चों के भविष्य के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको पसंद आने से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।